नमस्कार साथियों, आज की वीडियो हमारे किसान भाइयों के लिए हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जो कि केंद्र सरकार की योजना है, जो किसान भाइयों के लिए हर 3 महीने में 2000 रुपये की किस्त दी जाती है। इसके योजना के तहत इस योजना में जिनका किसानों का रजिस्ट्रेशन है उनके लिए हर 3 महीने या 4 महीने में एक किस्त डलती है 2000 रुपये की, जो कि एक साल के अंदर 3 बार किसानों के लिए पैसे डाले जाते हैं, जो कि केंद्र सरकार द्वारा ये दिए जाते हैं। इसके लिए आपको ध्यान रखने की बात यह है कि अगर आपका पेमेंट या किस्तें नहीं आ रही हैं पिछले साल भर से या 6 महीने से या फिर इससे अधिक समय से आपकी किस्तें नहीं आ रही है, तो आपको क्या करना है। इसके लिए आप इस वीडियो को देखिए, आपको इसमें बताया जाएगा कि आपकी अगर किस्त नहीं आ रही है तो आपको क्या करना है, और किस्त आ रही है तो वो इस वीडियो को देख भी सकते हैं, उनके लिए भी कोई नई चीज़ मिल सकती है, और नहीं देखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो अगर जिनकी किस्त नहीं आ रही है, जो किसान भाइयों की पीएम किसान योजना की किस्त नहीं आ रही है, उन किसानों को ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है ताकि उनकी किस्तें आगे आ सकें या फिर रुकी हुई किस्तों का पेमेंट आपको मिल सके। जी, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इसी तरह की किसानों के लिए हित में या छात्र हित में योजनाओं संबंधित जानकारी हम चैनल के माध्यम से देते हैं। आप देख रहे हैं डिजिटल सेवा बीपी सिंह यूट्यूब चैनल। चैनल के माध्यम से हम विभिन्न योजनाओं की जानकारी या विभिन्न सूचनाएं हम आप तक पहुंचाते हैं, इसलिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देवें ताकि हमें मोटिवेट मिल सके, और कमेंट ज़रूर करें ताकि वीडियो के संबंध में कोई आपकी समस्या सुझाव हमें देना हो तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं ताकि हम वीडियो में सुधार कर सकें, या फिर जिस टॉपिक पर आपको वीडियो की ज़रूरत है उस टॉपिक का नाम लिख के हम कमेंट कर सकते हैं ताकि उसी टॉपिक पर आपको वीडियो हम बनाएंगे। हम अधिकारियों से, अपने सिस्टम से या फिर जैसे भी हमें सोर्स मिलते हैं, विभिन्न सोर्सों से हम जानकारी इकट्ठा करते हैं, उसके बाद आपको हम वीडियो बनाते हैं या जानकारी देते हैं। तो हमारी द्वारा दी जाने वाली जानकारी आप तक सत्य पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि सही से सही जानकारी आपको मिले। गलत भ्रम में या गलत जानकारी हम चैनल के माध्यम से आपको नहीं देना चाहते, इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और किसान के हित में, किसान योजनाओं के हित में हम आगे हर एक वीडियो आपको ला रहे हैं ताकि आपको इन योजनाओं का लाभ अच्छे से मिल सके और इन योजना की जानकारी आप तक पहुँच सकें। तो चलो आगे वीडियो शुरू करते हैं। हम आपको बताते हैं पीएम किसान योजना के बारे में, जो कि आपकी जो किस्त आ रही हैं वो अच्छी बात है, नहीं आ रही उनको क्या करना है। तो उनको सबसे पहले करने की बात यह है कि आपको EKYC ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, EKYC करवाना आपको वो लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कैसे कि आपकी किस्त क्यों नहीं आ रही है। तो ये आपको बता देते हैं कि ये जो ऑप्शन है नो योर स्टेटस, इसके द्वारा आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आपका स्टेटस चेक करना नहीं आता है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, किसान भाइयों का एक ग्रुप बना हुआ है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अगर आप ग्रुप ज्वाइन नहीं करते हो तो वीडियो जो देख रहे हो तो वीडियो के कमेंट में आप अपना नंबर, आधार नंबर डाल सकते हैं, आपको हमारा मोबाइल नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उस पर आप अपना आधार नंबर भेज सकते हो या मोबाइल नंबर भेज सकते हो, जिससे हम स्टेटस चेक कर सकते हैं आपका। इसके अलावा बात करें इसमें स्टेटस कैसे चेक करना है आपको, ये आपको बता देते हैं एक बार। स्टेटस चेक करने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे फाइंड कर रहा है ढूंढना है आपको। तो रजिस्ट्रेशन ढूंढने के लिए आपको 2 विकल्प दिए गए हैं इसके अंदर। पहला विकल्प है मोबाइल नंबर, दूसरा आधार नंबर। अगर आपके पास जो रजिस्टर है इसके अंदर पीएम किसान योजना के अंदर मोबाइल नंबर, तो उसको इसमें एंटर करके, मोबाइल नंबर एंटर करके आप और कैप्चा लगा के गेट रजिस्ट्रेशन पर आप कर सकते हैं, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। अगर मोबाइल नंबर पता नहीं है तो आधार नंबर ऑप्शन क्लिक करके आप इसमें आधार नंबर लगा के और ये कैप्चा लगा के आप इसमें गेट डिटेल कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ढूंढ के, ढूंढने के बाद में आपको बैंक जाना है। बैंक जाने के बाद आपको नो योर स्टेटस पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें डाल देने हैं और कैप्चा इसमें डाल देना है, फिर गेट डिटेल करेंगे तो आपकी पूरा पीएम किसान योजना के तहत जो भी डिटेल्स हैं वो आपके सामने आ जाएगी, और उन डिटेल्स में आप देख सकते हैं कि आपकी जो किस्तें हैं किस कारण रुकी हुई है। अगर आपको देखना नहीं आता है तो आप नज़दीकी ई मित्र पर जा सकते हैं या फिर हमारे सेंटर पर आ सकते हैं। हमारा सेंटर जोन ई मित्र NCSC केंद्र जो कि कस्बे में है, इसका पता आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,
आप हमारे अनेक सोर्सों से हमें आपकी जानकारी या डॉक्यूमेंट्स पहुंचा सकते हो और आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं। आपकी पूरी हेल्प की जाएगी और आपको बताया जाएगा कि आप किस कारण नहीं आ रही है। अगर आपको नया आवेदन करवाना है उसके लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। नए आवेदन के लिए हम कौन कौन से दस्तावेज़ की ज़रूरत पड़ेगी। जिन किसान भाइयों की अगर किस्त नहीं आ रही है तो सबसे पहला काम आपको EKYC वाला करना है। EKYC की वजह से 50-60% किसानों का पेमेंट रुका हुआ है, तो आप इसमें अपना आधार नंबर डाल के और सर्च करके आप इसकी KYC करवा सकते हैं ई मित्र सेंटर पर या CSE सेंटर पर जाके। अगर आप खुद से ट्राई करेंगे आपसे गलत हो सकता है कुछ भी, इसलिए आप अपने सेंटर पर जाके या हमारे पास आके आप EKYC करवा सकते हैं ताकि अपना किस्त नहीं रुके। इसके अलावा अगर EKYC करवा दी है और कोई कमी है फॉर्म के अंदर तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे चैनल को आप विजिट करते रहिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद।